নারুতো স্টিং অপারেশন শুরু হয়েছিল 2006 সালে, যা সামনে আসে 2016 সালের একেবারে শেষের দিকে, এবং তার পরবর্তী সময়ে একটা লম্বা অধ্যায় ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। ইনভেস্টিগেশন শুরু করা হয়েছে, একদিকে সিবিআই আধিকারিকরা যথেষ্ট তৎপর, অন্যদিকে ইডি আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে অনেক দূর এগাবার ভাবনা চিন্তা করছে। তবে এই পুরো প্রেক্ষাপটে একাধিকবার যে ব্যক্তিটির নাম উঠে আসছে তিনি অবশ্যই ম্যাথু স্যামুয়েল, যার মূলত জমা দেওয়া ভিডিও ফুটেজেই কার্যত সাড়া পড়েছিল বাংলা রাজনীতিতে, একাধিক নাম জড়িয়েছিল বাংলা রাজনীতির একেবারে নামজাদা পোর খাওয়া রাজনৈতিক ব্যক্তিদের। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ম্যাথু স্যামুয়েল। তাকে প্রথমেই আপকো বহুত স্বাগত হে বেঙ্গাল মে, ইসকে পহলে ভি আপ বহুত বার আয়ে থে। স্যার অভি ইনভেস্টিগেশন চল রহা হে, বহুত দিন হো গয়া, 2016 সে ইনভেস্টিগেশন শুরু হুয়া, 2020 হো গয়া, অভি তক চার্জশিট নেই হুয়া, এসা তো ইনভেস্টিগেশন চল রহা। আপকা পহলা মে জো প্রশ্ন আপকো পুছুঙ্গা, জো নারদা স্টিং অপারেশন জো আপনি কিয়ে থে, ও কেসে হুয়া থা? দেখো, পহলে ইয়ে तहलका का रिवाइवल के लिए आपको जानता होगा ना तरुण तेजपाल का इश्यू, वो तहलका का इश्यू वो जाने के बाद मुझे उसके एडिटर बन गए केडी सिंह ने। वो टाइम पे वो मैनेजमेंट ने बोला था मुझे एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन करते, इसको रिवाइवल करना। इसका एक अटन एक एक्सरसाइज मैंने ले लिया। Then after that, I thought I can go to Madhya Pradesh or Himachal and all these things. ये सोच के ऐसे बैठने के टाइम मुझे ये शारदा का मामला बहुत बड़ा इश्यू है बंगाल पे, बड़ा स्टेट भी है। पहले मैं 2001 पे तहलका स्टिंग ऑपरेशन किया, वो बीजेपी बोल दिया मैम कांग्रेस का बंदा है, मुझे अभी बीजेपी का ऊपर नहीं जाना, आई वॉन्टेड टू गो if it is Congress or any party. Then I decided to इधर थोड़ा एक एक्सपेरिमेंट बेसिस के लिए आया था, फर्स्ट विजिट इन बंगाल। इधर आके एक बार आया, आई सेड मैं चले गया, सेकेंड टाइम आई केम, उधर से पूरा शुरू हो के इस्लाम बोल के ड्राइवर से मिल गया, टाइगर से मिल गया, इसके बाद इकबाल अहमद से मिला है, देन इट वॉज गोइंग लाइक दैट। ये जो प्रोसेस था, ये जो जर्नी था, अब जब स्टिंग ऑपरेशन किए वो लोग के पास जाके, इक्विपमेंट एक बहुत बढ़िया चीज़ था, बिकॉज ये पूरा इन्वेस्टिगेशन बोल सकते हैं कि ये पूरा इक्विपमेंट के ऊपर बेस करके हुआ था। तो जो फ़ोन आपके पास था, जो आईफोन जिसके लिए अभी तक वो मुद्दा चालू है एप्पल वाला, वो अभी तक कोई जनरेट नहीं किया इन्फॉर्मेशन। मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ कि सोच लीजिए कि ऐसा ही फ़ोन था एप्पल वाला, और क्या मॉडिफाई हुआ था जिसमें ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, अगर थोड़ा डेमोंस्ट्रेशन दिखा। ठीक है, सबसे पहले मैं बोल देगा ये आईफोन नहीं है आपका, ठीक है, ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड ये फोन पे ये नहीं होगा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं बता देगा, इट्स अ फॉर्मेट ऑफ इक्विपमेंट। दूसरा, आपका पास कुछ भी इक्विपमेंट है, हाई सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न इक्विपमेंट है, बट यू हैव टू बी इन योर माइंड मैन बिहाइंड द मिशन। इसका पीछे कौन है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू हैव ए मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वेपन आपका पास है, यू डोंट इवन नो हाउ टू फायर इट, देयर इज नो यूज। पहला कितना रुपए आपको दिए थे? ये तो मैं बोल रहे, पहले बात से हुआ था, वी कैन आई कैन फंड अराउंड 20-25 लाख, ऐसे बात करके बोल दिया। सबसे पहले मुझे पैसा दिया था राजा ने, राजा बोले से दैट टाइम राजा वॉज हिज पर्सनल असिस्टेंट ऑफ के डी सिंह, उसका ऑफिस में जाके एक लिफाफा पे डाल के 5 लाख का ऑफिस, नहीं 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 अल्केमिस्ट का ऑफिस में 5 लाख दे दिया था फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं लेके आके पूरा रिसर्च करके मेरा करने के टाइम मैंने, देन आई सेड 1 and 1, इसके लिए इतना देना है, इसके लिए इतना, पूरा मैसेज भेजता है। मैं के डी सिंह को मैसेज भेजता है, दिस पीपल आर डिमांडिंग दिस, इसने इतना पूछा, इसको मिडिल मैन इतना पूछ रहे, क्या करना है, आई एम टेकिंग दिस रिस्पॉन्स, बिकॉज वो पैसा देना है, वाट शैल आई डू। इसके बाद एक एक जा रहे, तीन चार हो गया चेक, मैं जाके उसको दे दिया ओरिजिनल, यही है, अब देख लो। वो ही वॉज शॉक्ड, केडी सिंह ऐसे खुशी हो गया और आगे करने के लिए बोला।
में इकबाल का किया था इन द ईयर 2014 या इकबाल का किया था आईपीएस ऑफिसर का नाम क्या है मिर्जा का किया था फिर कौन है तीन चार दो तीन लोगों को किया था मुझे इसने याद नहीं है उसका शुरू पे करके दिखा दिया था उसको उसको मेरे लैपटॉप में डाल के दिखाया इसके बाद कॉपी भी दे दिया उसको सबमिशन कर सबमिशन कर दिया अकाउंट भी दे दिया कितना पैसा है खर्चा तो सर बार बार एक बात क्यों आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि आप सब एविडेंस सबमिशन कर दिया है आपके तरफ से सभी कोऑपरेट आप कर रहे हैं सीबीआई के साथ ईडी के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ फिर भी आपके ऊपर क्यों सवाल उठ रहा है देखो आप आपका सामने मुझे अभी ईडी का जॉइंट सॉरी सीबीआई का जॉइंट डायरेक्टर अभी बुलाया मेरा पर्सनल विजिट है कलकत्ता पे आज उसने बुलाया उसको मिलना है जॉइंट डायरेक्टर श्रीवास्तव क्यों बुलाया मुझे नहीं ये बोल दिया आपसे मुझे मिलना है मैं दो तीन साल से सोच रहे नहीं हो रहा मुझे आपसे बात करना है मिलना है सो आई एम गोइंग देयर सो ये बहुत अभी तक सीबीआई ईडी ने नहीं बोला दे कंप्लीटली एक्सेप्टेड इन फ्रंट ऑफ मी योर टेप्स आर जेन्युइन इट इज सफिशिएंट समीच मिर्जा तब वो एसपी वर्धमान था और उसके पास अपने गए थे आपके जाने के पहले एसएमएच मिर्जा के तरफ से ये मैसेज आया था इकबाल हामिद के पास कि आप संतोष शंकरन हैं ये नाम लेकर आप सभी के पास गए थे और आप एक बिजनेसमैन थे जो बंगाल में बिजनेस करना चाहते थे तो तभी वो उसके तरफ से बोला गया था कि आपके पूरा रिकॉर्ड वो चेक करेंगे उसके बाद ही आपको एंट्री लेने के लिए वो परमिशन देंगे फिर आपको एंट्री हुआ क्या कहें उसने किसने लेके गया था टाइगर मिर्जा ने उसे लेके गया था देन आफ्टर टू डेज टाइगर मिर्जा बोल दिया कि बंगाल पुलिस का इंटेलिजेंस विंग मेरा ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया मैं जेन्युइन बिजनेसमैन है चेन्नई से वेस्ट बंगाल का पुलिस मैं रिकॉर्डेड है ना उस पर वो भी सी बी आई को दिया बिकॉज दे गॉट अ रिपोर्ट प्रॉपर जेन्युइन बिजनेसमैन है चेन्नई बेस्ड ममता बनर्जी गवर्नमेंट इज द वर्स्ट गवर्नमेंट इन इंडिया शी इज एंटी डेमोक्रेटिक किसी शी इज नेवर अलाउ एनी वन टू टॉक अगेंस्ट हर हाउ शी इज एंटी डेमोक्रेटिक शी इज द वन डिस्ट्रॉयड दिस स्टेट चार साल से ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है लोग जानना चाहते हैं अब कहिए लोग जानना चाहते हैं कि जो लोग जो मिनिस्टर जो एमएलए जो एमपी का नाम अभी तक सामने आया है इसके बाद इसके अंदर भी और कोई है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया बट आपने गए थे इसके पास नहीं मैंने किधर किधर गया था मैं पूरा दे दिया मेरे पास और फर्दर कुछ भी नहीं सुदीप बंदोपाध्याय का नाम दिया थे देखो उधर ट्राई किया था मैं जाने के लिए मिर्जा ने ट्राई किया था उसको मिलने के लिए नहीं मिल सकता उसका ऑफिस में गया था उसका एक पार्टनर है उसने पैसा पूछा था मैं देने के लिए तैयार नहीं था मैं बोल दिया मैं उससे बोला था ईद ओ अभिषेक देयर आई कैन हैंड ओवर द मनी विदाउट अभिषेक अदरवाइज बोलेगा अभिषेक नहीं है दूसरा किसी ने बोल दिया मैं ले लिया द एंटायर केस विल टर्न अराउंड जब एसएमएच मिर्जा को ये लोग अरेस्ट किए क्या लग रहा है कि और भी कोई अरेस्ट होगा या ऐसे ही चलेगा देखो मुझे नहीं मालूम क्या होगा बिकॉज इसमें मैच फिक्सिंग हो रहे नहीं हो रहे वो भी मुझे नहीं मालूम अपील के पास से जो जो